इस बात को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। विपक्षी दल जब एक होंगे, उनका वोट जब एक जगह इंटैक्ट होगा तो उसका असर तो देखने को मिल सकता है ना। महेश तापसी जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन चेहरा कौन होगा? शरद पवार से जब मुलाकात करने की बात नीतीश कुमार की आती है तो फिर वहां पर भी तमाम रोड़े आते हैं, अलग अलग मुलाकात होती है, कोई नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं होता है। अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विस्तार ले रही है, राहुल गांधी का चेहरा 2024 के लिए मोदी के सामने क्या एनसीपी को स्वीकार होगा और फिर उसको लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, चेहरा कौन होगा ये प्रश्न अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में धर्मनिरपेक्ष चेहरा होगा, लोगों को प्यार सम्मान देने वाला चेहरा होगा, और जितने भी एंटी फैसिस्ट फोर्सेज हैं उन्होंने नियुक्त किया हुआ चेहरा होगा, ये मैं आज आपको बता सकता हूँ। कर्नाटका के चुनाव के पहले ही पवार साहब ने कहा था कि कर्नाटका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है, वहाँ कांग्रेस जीत के आने वाली, ये पवार साहब ने पहले ही कहा था। उसी प्रकार से हुआ, दूसरे ही दिन हमारे पवार साहब के बंगले पे सारे महाविकास आघाड़ी के नेतागण आए, हमारी भी दो दिन के बाद पार्टी की मीटिंग है, और हमें पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र के जो 48 लोकसभा सीटें हैं उसमें से लगभग 40 लोकसभा सीटें महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी जीतेंगे। 288 हमारी विधानसभा के सीटें हैं, आज की अगर पोजिशन जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लगभग 180-190 से 200 सीटों तक जीतने की आशंका, जीतने की शक्यता हमारे लोगों की दिख रही है। कर्नाटक में बीजेपी का लगभग 50% सीटों में लॉस हुआ, मुझे 105 थे वहां से 60-65 के आसपास आ गए, लगभग 50% सीटें उनकी कम हुई है। तो महाराष्ट्र में भी जो 3:1 का बैटल होगा, एक तरफ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, दूसरी तरफ भाजपा, क्योंकि मैं शिंदे गुट का कोई प्रभाव महाराष्ट्र में है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जो भी ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के दम पर है, इसलिए शिंदे गुट का कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 1:3 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन केंद्रीय जांच एजेंसी का उपयोग करके अपने विपक्षी दलों को वीक करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। इन्हीं जांच एजेंसियों के खिलाफ तो हमने विपक्षी एकजुटता भी देखी है ना। महेश पाटिल जी, जब जल्दी से तापसी साहब, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है ना, कांग्रेस पार्टी से जब गठबंधन की बात आएगी तो क्षेत्रीय दल किस तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने अलग अलग गठबंधन बनते हुए देख लिया है, सपा कांग्रेस और बीएसपी और समाजवादी पार्टी। अगर बिहार जाएंगे तो कांग्रेस को कितनी सीटें दे देंगी वहां की क्षेत्रीय पार्टियां? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस और लेफ्ट दलों को साथ में लेकर चलेंगी और 2024 के लिए वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगी? तो अभी से जो बातें कही जा रही है, क्या वो इतना आसान है जितना कि आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं? पवार जी के मंत्र को कौन फॉलो करेगा? लोकसभा चुनाव वही बता रहा ना, 2024 का लोकसभा चुनाव इस देश के लिए बड़ा ही अहम चुनाव है, और इस अभी दो टर्म मतलब 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का राजपाट खत्म हो, ये प्रयत्न विपक्षी दलों का, यूपीए का, महाविकास आघाड़ी का, और भी छोटी मोटी क्षेत्रीय जिला स्तर की पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ सके उनको अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश हम करेंगे, उनको अकोमोडेट करेंगे, किसी भी प्रकार से सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, ये हमारा प्रयत्न रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा, और उसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में विपक्ष का मोर्चा। ठीक है, लेकिन समय समय पर तमाम मुद्दों पर हम विरोधी दलों के बीच अलग अलग सुर भी देखते हैं, चाहे वो जेपीसी का मुद्दा हो, चाहे डिग्री का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर शरद पवार ने एक तरीके से अब सरकार की बातों का, उनकी लाइनों का समर्थन किया था।